हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कंस्ट्रक्शन गुरु में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे ब्रिक बैट कोबा के बारे में। ब्रिक बैट कोबा होता क्या है, इसके फ़ायदे इसके नुकसान के बारे में जानेंगे और कहाँ पे यूज़ किया होता जाता है ये सब हम जानेंगे। फ्रेंड्स, ब्रिक बैट कोबा एक ओल्डेस्ट मेथड है टेरेस की वाटर प्रूफिंग का, जहाँ पे हमारा रेन वाटर आता है, सनलाइट आती है, क्योंकि हमारा जो टेरेस होता है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है। तो फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स टेरेस पे होती हैं फ्रेंड्स, उसको रोकने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, जैसे हमारा रेन वाटर जब हमारी छत पर आ जाता है फ्रेंड्स, या हमारे टेरेस पर आता है, तो वहाँ पर छत में सीपेज आने लगती है फ्रेंड्स। बारिश के पानी के कारण फ्रेंड्स, हमारे जो वॉल्स हैं उन पे जो है डैम्पनेस आने लगती है। जो हमारा पेंट है, जो हमने महंगा महंगा पेंट कराया होता है, वो सब ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। और हमारी वॉल्स पे एटमॉस्फेयर के कारण, डायरेक्टली सनलाइट के कारण जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण जो क्रैक्स हैं फ्रेंड्स, वो डेवलप हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो जनरली ये होता किया कहाँ जाता है फ्रेंड्स, ये जनरली किया जाता है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है एवरेज रेनफॉल से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये काफ़ी कारगर रहता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमें इसके नाम से ही पता चल जाता है इस ब्रिक बैट कोबा क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि ब्रिक के बैट्स जो है इसमें हम यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स। ये ब्रिक बैट इसलिए यूज़ किए जाते हैं, जो मॉइस्चर हमारी टेरेस पे होता है फ्रेंड्स, उसको ये सोख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो वॉल्स में जो है डैम्पनेस नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं ब्रिक बैट कोबा के फ़ायदे क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये जो हमारी लीकेज होती है छत में, जो सीपेज होती है फ्रेंड्स, उसको रोकता है, जिससे हमारी वॉल्स में जो है डैम्पनेस आती है वो सब ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, और जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण जो हमारी वॉल्स पे क्रैक आते हैं फ्रेंड्स, उसमें भी काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है फ्रेंड्स। और ये थर्मल इंसुलेशन का भी काम करता है फ्रेंड्स। जो हमारा टॉप फ्लोर होता है फ्रेंड्स, उसकी छत जो डायरेक्टली सनलाइट में रहती है, तो उसके कारण उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इसके कारण जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो फ्रेंड्स ब्रिक बैट कोबा करने से हमारा रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, उसमें भी काफ़ी हमें सहायता मिलती है फ्रेंड्स। ब्रिक बैट कोबा ओल्डेस्ट मेथड है, अब इसके काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं फ्रेंड्स, बट वो थोड़ा महंगे होते हैं, जनरली हम उनको इसलिए यूज़ नहीं करते। तो फ्रेंड्स, हम इसके नुकसान देख लेते हैं, इसके नुकसान क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स। एक तो डेड लोड, सिंपल सी बात है, ये 120 से 150 mm तक किया जाता है इसकी थिकनेस जो होती है, तो फ्रेंड्स डेड लोड स्ट्रक्चर पे बढ़ जाता है। दूसरा नुकसान है फ्रेंड्स, रिपेयरेबल नहीं होता, इसमें एक बार क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो फ्रेंड्स ये रिपेयरेबल नहीं होता। अगर पानी कहीं पर क्रैक्स आ जाते हैं, उसमें पानी भरने लगता है, तो फ्रेंड्स सीपेज छत में आनी है फ्रेंड्स। और तीसरा है, इसके लिए स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, स्किल्ड मैन पावर अपने पास होनी चाहिए, तभी हम इस काम को करा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोसीजर की, कि कैसे ब्रिक बैट कोबा जो है अप्लाई किया जाता है टेरेस पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी जो देख रहे हैं हम सरफेस है, यहाँ पे तो ब्रिक बैट कोबा का काम स्टार्ट हो चुका है, दूसरी तरफ पे काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड, ये हमारी जो है स्लैब है फ्रेंड्स, इस पे जितना भी लूज़ मटेरियल है, जो भी है यहाँ पे कुछ भी लूज़ मटेरियल, लूज़ कंक्रीट वगैरह जब पड़ा होता है फ्रेंड्स, उसको रिमूव करेंगे, सरफेस को एकदम क्लीन करेंगे वायर ब्रश से। अगर हमें यहाँ पे कंक्रीट जमा हुआ है तो उसको रिमूव करेंगे हिल्टी से, चिपिंग मशीन से उसको रिमूव करके सरफेस को एकदम क्लीन करेंगे। नीट एंड क्लीन हमारी सरफेस होनी चाहिए। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, हम सीमेंट स्लरी अप्लाई करते हैं। सीमेंट स्लरी क्या होता है फ्रेंड्स, सीमेंट को डायरेक्टली पानी में मिला के उसकी एक स्लरी बना लेते हैं फ्रेंड्स, उसको सीमेंट स्लरी कहते हैं। उसमें फ्रेंड्स हम केमिकल कंपाउंड भी यूज़ करते हैं। केमिकल कंपाउंड जो फ्रेंड्स होता है, केमिकल कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, जैसे सीको सुपर हो गया फ्रेंड्स, फोसरोक का हो गया, और इधर हम डॉक्टर का फिक्सिट LW प्लस यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसका स्पेसिफिकेशन उसके बॉक्स पे दिया होता है। यहाँ पे जो केमिकल कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसको हम 50 kg में 200 ml मिलाते हैं। जैसे ही हम सीमेंट स्लरी तैयार कर लेते हैं, उसमें 50 kg पर 200 ml के हिसाब से केमिकल कंपाउंड मिला देते हैं फ्रेंड्स। उसको फिर हम ये जो हमारी नीट एंड क्लीन जो सरफेस होती है उस पर फ्रेंड्स अप्लाई करते हैं। उससे अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, लगभग इतना अप्लाई करते हैं कि
2.5 kg से 2.75 kg पर स्क्वायर मीटर में हमारा सैलरी आ जाए। फ्रेंड्स इसके बाद हम अप्लाई करते हैं 20 mm थिकनेस का मोर्टार 1:5 के रेशो में, 1 सीमेंट 5 सैंड के रेशो में हम जो है फ्रेंड्स मोर्टार सीमेंट मोर्टार यूज़ करते हैं। ये हम देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो फ्रेंड्स इसके ऊपर क्या है फ्रेंड्स हम ब्रिक बैट जो है अपने ब्रिक बैट बिछा देते हैं फ्रेंड्स। और हाँ एक बात और फ्रेंड्स, हम इस मोर्टार में भी केमिकल कंपाउंड उसी मात्रा में यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसके ऊपर हम जो है ब्रिक बैट्स बिछा देते हैं फ्रेंड्स। जो ब्रिक बैट्स है फ्रेंड्स उनका जो साइज़ होता है 25 mm से 100 mm तक हो सकता है, यानी कि उनकी लंबाई जो है 25 mm से 100 mm तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स लगभग उनके जो बीच का गैप है जो फ्रेंड्स हम बीच का गैप है 25 से 30 mm कम होना चाहिए कम से कम, ठीक है फ्रेंड्स। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं इसको फ्रेंड्स 1:4 के रेशो से, ये हमने देखा 1:4 के रेशो से सीमेंट और सैंड के मोर्टार से फ्रेंड्स इसको फिल कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम जैसे कि हम देख पा रहे हैं सारे में हमने जो है ये जो गैप्स थे 25 से 30 एमएम के वो सब फिल कर दिए। इसके ऊपर फ्रेंड्स एक फाइबर में आता है, उसके बाद हम इसको फाइबर में इसको बिछा देते हैं फ्रेंड्स। फाइबर में इसको बिछाने के बाद हम इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि प्लास्टर की एक लेयर कर देते हैं 20 mm की फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स उस प्रोटेक्टिव लेयर पे हम 300x300 का 8 mm डेप्थ का ग्रू काट देते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स वहाँ से हमने जो स्लोप दिया है वो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने स्लोप दिया है, ये हमारा खुर्रा है फ्रेंड्स। अब हम खुर्रे की बात कर लेते हैं, खुर्रे को क्या करते हैं खुर्रे के पास का 1 m x 1 m का एरिया फ्रेंड्स हम खाली छोड़ के रखते हैं। उसमें पहले 1 m x 1 m की पीवीसी सीट सबसे नीचे लगाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद और एक बात और, जो हमारी खुर्रे पे डेप्थ होनी चाहिए वो मिनिमम 65 mm होनी चाहिए फ्रेंड्स। 400x450x450 का हम खुर्रा बनाते हैं फ्रेंड्स, 1, 2, 4 की कंक्रीट से चारों तरफ से। उसके नीचे फ्रेंड्स हम अपनी पीवीसी सीट यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, और जो खुर्रा है खुर्रे के ऊपर हम वाटरप्रूफिंग मटेरियल के साथ में प्लास्टर करके उसको फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।